laser concern, it's a chromophore. So absolutely both two things are absolutely different. But finally is what type of skin is the patient coming to you? Like I said, type 5 skin is coming. You cannot use alexandrite over there because more of the heat is produced and you can get more of the hyperpigmentation. So it's according to the patient what you have. Tailor. According to availability, you have to tailor the treatment. ये जो जितने भी हैं अब IPL है या lasers हैं, इन सब को अब एक category में लाते हैं, that is energy based devices. But as far as price is concerned, अब तो diode lasers भी और anti-ag भी almost IPL की price में available. जी अब इसलिए ना कोई ऐसा बड़ा issue नहीं, सिवाय इस बात के कि IPL से आप hair removal के अलावा acne या vascular lesions की treatment और rejuvenation भी कर सकते हैं. मतलब आप एक मशीन से 3-4 वगैरह अगर सिर्फ हेयर रिमूवल के लिए लेना है तो व्हाई बाय एन आईपीएल, व्हाई नॉट अ डायोड, उसी की प्राइस. इट्स द मैटर ऑफ प्राइस. और इसमें फिर मैं कहूँगा कि अगर देखें एक जो बिगनर है उसके पास खाली हेयर रिमूवल का पेशेंट तो नहीं आना. और चाइनीज जो आईपीएल है उसकी प्राइस आपको पता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 600,000 6 लाख से लेके 12 लाख तक बड़ा बेहतरीन आईपीएल आ जाता है. अब मुझे आप बताएं कि 6 लाख से 12 लाख के दरमियान सिवाय डायोड नहीं, उस सिर्फ डायोड की एफिकेसी है लेकिन उस वाले चाइनीज़ एनडीए की इतनी एफिकेसी नहीं है, ये बात तो तय है. तो मेरा ख्याल है कि अगर एक बिगनर के लिए जो कि इतनी अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो अगर वो आईपीएल ले रहा है तो आई थिंक. और सिर्फ हमारा एक प्रॉब्लम है कि हम जितने भी डॉक्टर्स जो भी एनर्जी बेस्ड डिवाइस लेते हैं उसको एज ए टेक्नीशियन यूज़ करते हैं, वी डोंट मास्टर देम. हम उसकी ना साइंस पढ़ते हैं ना पैरामीटर्स. हमें एक जो उनका रेप आके बताता है, चाहे वो मैट्रिक फेल भी क्यों ना हो, वो टेक्नीशियन आके हमें बताता है कि सर जी ये हेयर रिमूवल के ये पैरामीटर हैं, इसको दबाएं और अल्लाह का नाम लेके शुरू हो जाएं और प्लीज़ इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें. और मेरा ख्याल है कि यू कैन गेट मच मच बेटर रिजल्ट्स. मेरे ख्याल इधर डॉक्टर मुनीजा है, नहीं? हाँ, वो भी आई थिंक यू वर यूजिंग आईपीएल अलॉट फॉर हेयर रिमूवल. अब डायोड पे आई है लेकिन पहले उस मुझे इसलिए याद है कि आईपीएल काफ़ी अच्छा ये यूज़ करती रही. डॉक्टर सलीम राव साहब बहुत अरसा आईपीएल के फ़ैन रहे. और मेरा ख्याल है कि आईपीएल का सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि हमारी जो मैक्सिमम लर्निंग है वो एक टेक्नीशियन के थ्रू है. हम में से किसी भी मतलब डॉक्टर ने जिसने आईपीएल लिया है कभी उसको अगर इन डिटेल पढ़ें तो आई थिंक इट्स ए वेरी वेरी गुड डिवाइस. मैं अपनी क्लिनिक में कोई दिन ऐसा नहीं होता जब आईपीएल ना यूज़ करूं. मेरी प्रैक्टिस में आईपीएल इज़ मैंडेटरी. चलिए नेक्स्ट. थैंक यू वेरी मच एंड वेरी राइटली सेड. आईपीएल इज IPL is jack of all trades and laser is few comments around about sir SHR mode, because new IPLs are coming with SHR mode. Either we get the sufficient energy according to this standard theory of photothermolysis to achieve hair removal in SHR mode. जो SHR mode है उसमें जो energy का जो है ना उसमें ये होता है cumulative energy, क्योंकि उसमें हम repeated pass कर रहे होते हैं किसी भी एक एरिया में. बट इन बिटवीन पासेस देयर इज सफिशिएंट टू कूल डाउन. नहीं नहीं, वो इसमें चूंकि इतने फास्ट होते हैं क्योंकि उसकी स्पीड होती है 10 हर्ट्ज. दिस आइडिया इज बेसिकली स्टोलन बाय फ्रॉम सुप्रेनो आइस विच वाज फर्स्ट एनर्जी बेस्ड डिवाइस के जिसमें इन मोशन हेयर रिमूवल था. तो उसके बाद लेकिन उसमें भी जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि क्यूमुलेटिव एनर्जी, उसमें क्यूमुलेटिव जो मैक्सिमम एनर्जी जब तक नहीं देंगे तब तक आप एप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं लेंगे. तो अगेन उसमें वही बात है कि आप यू हैव टू लर्न द प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द नीड. उसमें ये नहीं है कि आप एक पास करें और उसके बाद उसको छोड़ दें. और उसमें जो टोटल एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड है या जो उस एरिया के मुताबिक है वो जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे, फर्स्ट किया कि उसमें आपने 4 kJ एनर्जी देनी है, जब तक आप 4 kJ उस एरिया में एनर्जी नहीं देंगे या एंड पॉइंट ऑफ हेयर रिमूवल इज नॉट विजिबल, यू शुड नॉट स्टॉप. थैंक यू.